अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। कैसे हैं आप लोग? आज है मदर्स डे और रमजान भी है। मैंने सोचा पहले अम्मी को मैं फ़ोन पे ही कर लेती हूँ या वैसे ही चक्कर लगा लेती हूँ, लेकिन रमज़ान है तो क्या हुआ, माएँ तो माएँ होती हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, मदर्स डे वैसे हम इतना सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मैं अपनी अम्मी के लिए सेलिब्रेट इसलिए करती हूँ कि हम दूर रहते हैं, जाहिर है अपने घर में रहती हूँ, वो अपने घर में रहती हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। जिन बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं उनको आना पड़ता है। और लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका हर डे जो है वो मदर्स डे होता है। ठीक है जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बैक ऑफ माइंड में ये चल रही थी बात कि कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि राज को हमसा ने मुझे ये याद करवा दिया। ये खूबसूरत ड्रेस मुझे उसने गिफ्ट किया है और ये मतलब इतनी प्यारी चॉइस है। भाई है वो नंबर ले गया पहले इसका। सबसे पहले उसने विश किया हमसा। जी, सबसे पहले हमसा ने विश किया। और इसमें एक वैसे वीडियो भी कोई बना तो बात। ये खूबसूरत त्यौहार है, ये आज का जो दिन है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डे बच्चों के लिए भी, माँ के लिए भी, क्योंकि फरमा बरदार औलाद और खुश नसीब माँ आज के दिन ये सेलिब्रेट करती है मदर्स डे। बहुत जी चाहता है कि बच्चे हर वक्त पास रहें, लेकिन ज़िंदगी की ऐसी रूटीन होती है, ज़िंदगी के ऐसे तकाजे होते हैं जिसमें किसी ना किसी वजह से ख़ासतौर पर बेटियों को दूर जाना ही पड़ता है। बेटा हर वक्त मेरे पास रहता है और मेरी बड़ी टेक केयर करता है, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, मेरी सारी मोहब्बतें आज उनके लिए हैं। और मैं चाहती हूँ मुझे जो भी बच्चे मिलेंगे जिनके पेरेंट्स हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत प्यारी मोहब्बत, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। चले जी, केक काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अफ्तारी से पहले मैं चली जाऊंगी, इसलिए मेरे फाउल है, दिस इज फाउल। नहीं, मेरे भी बच्चे हैं भाई। अब याद है, याद आया तुम भी माँ हो। मैंने जाके अफ्तारी बनानी है। हाँ, और काट लेते हैं, खा आप बाद में लीजिएगा। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये ड्रेस भी मुझे हमसा ने गिफ्ट किया है। बहुत सारे गिफ्ट लेके आई है और केक भी ये लेके आई है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू सो मच। और ये केक जो है इफ्तारी पे खाया जाएगा, रोजेदार हैं। और आई एम सो ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मैं ये सेलिब्रेट कर रही हूँ मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। अच्छा जी, मदर्स डे का मौका है तो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये लाइफस्टाइल विद साहिबा में कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग नहीं, सब लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताएं, मेरी कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात जो आपको बहुत इरिटेट करती है और जो बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले अच्छी बात बताएं, बुरी बात शुरू। नहीं, सबसे पहले बुरी बात बताओ। चले, बुरी बात बताओ। बुरी बात ये, इसने कभी भी अपनी बात को मुझे अपने होठों से नहीं कहना और उस पर नाराज होना है बड़ी अनॉइंग थी कि आप पूछते क्यों नहीं कि मुझे ये चाहिए। अगर कोई चीज़ करीब पड़ी है तो मैं देखती थी कि हाँ ये चीज़ इसे चाहिए, मतलब अपनी ज़बान से एक बात का इजहार करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि भूझने की आदत फिर मैंने आखिर डाली ली। प्रेशन शीज आई को अल्लाह ताला ऐसी बेटियाँ सबको दे, और इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी चाहत करने वाली, तो ये मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि परवरदिगार ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है। मेरा बेटा हमसा भी बहुत प्यार करता है, लेकिन ज़रा अथरा है, लड़के होते ही ऐसे हैं, लेकिन मुझे उसकी वो अदा भी पसंद है। लेकिन फिर पता क्या होता है, मैं भी एक्टिंग करती हूँ, जब ये वो मुझे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, झूठ मूठ की मैं बीमार हो जाती हूँ। बेटी ज़रा देखना, मेरा रंग पेल तो नहीं हो रहा, मुझे फिर
वो एकदम कॉन्शियस होके, जी अम्मी बताए ठीक है आप हैं, मैं कहती तो बैठ, मैं दो मिनट बैठ, मैं तुझे बताती हूँ, तुम लड़के होते ही ऐसे हैं, आई लव हमसा, आई लव मदिया, आई लव मेरी तीसरी बेटी आयशा, वो किसी वजह से मतलब वो नहीं सेलिब्रेट करने आ सकी, ऐसी ट्रेजिडी हो गई थी उनकी फैमिली में जो हमारे लिए भी बहुत तकलीफ थे और दुख भरी थी। ये मैं जाऊंगी अभी, मैं अपने बेटी से दमास उन लोगों से भी ज़रूर मैं उनको मिलने जाऊंगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं उसके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, आयशा और उसकी फैमिली के लिए जो बाजी फिरदौस की बहू है उनके लिए भी दुआ करती हूँ, हमजा के लिए, मदिया के लिए, रैम्बो के लिए, बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए मैं दुआ गो हूँ, और ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे हमजा की जो कमिंग ईयर है उस पर मेरे हमजा की भी शादी हो और हम एक बहू के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करें, जैसे एक दिन ना सास का भी होना चाहिए। हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, बचपन का कोई वाकया जो आप बताना चाहें, सबके साथ शेयर करना चाहें? मैं बताऊं, बचपन में ये बिल्कुल डल थी, बिलीव मी, इतनी डल बच्ची, इतनी कंफ्यूज और पता नहीं क्या हो जाता। एक दफा होटल में ठहरे हुए तो वहां पे चाय आई, तो चाय में इसने चाय बनाई और ज्यादा दूध डाल के फिर इसने लेमन निचोड़ा, क्योंकि मैं ग्रीन टी में लेमन डाल के पीती थी ना, इसने दूध पत्ती बनवा के उसमें लेमन निचोड़ा और कहती ये देखिए ये क्या हुई, तो जेली सी बन गई है इसकी। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा कि मैंने कि मेरी आप ऐसी बातें बतानी शुरू हो जाए ये जरूरी है ना, रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। एक दफा फिर इसी तरह मैंने सुबह सुबह उठी तो मैंने कहा बेटे नाश्ता आ रहा है जल्दी से, तो ब्रश कर लो, मतलब टूथब्रश कर लो, तो मैंने कहा जल्दी ब्रश करो और नाश्ता ठंडा हो जाएगा, तो इसने हेयर ब्रश जल्दी जल्दी करना शुरू किया। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आपको गिफ्ट कैसे लगे? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है, यू हैव अ वेरी गुड चॉइस, तुम्हारी सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है। यही तो मैं बनवाने आई थी। बहुत ही फरमा बरदार और बहुत अच्छा लड़का ही कहूंगी, मेरे लिए तो लड़का है। बहुत शुक्रिया, बहुत लड़का लड़की कह रहे हैं, आप ही कह सकते हैं इस उम्र में। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपसे बड़ी बड़ी अभी तक लड़कियां कहलाती हैं बेटे, आप क्यों इतनी कॉन्शियस हो गई हैं? अच्छा चले, बस फिर अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है। हाँ जी, और बस मैं चलती हूँ घर। बस एक यही नक्स है कि सब कुछ मेरे पे निछावर करती हो, टाइम नहीं देती, टाइम तो नहीं जाके रैम्बो को ही देना। आपने देखे मुझे मुझे गुस्सा चढ़ता है उस पे, बचपन में आपने मुझे टाइम नहीं ना दिया, ये मेरे जहन में, अब मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है। ओह माय गॉड, मेरे बच्चा, लव यू। मैं बच्चों के लिए जाकर अफ्तारी बनानी है और मौसम भी आंधी का हो रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। चले ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये थी हमारी मदर्स डे की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइफस्टाइल विद साहिबा, अल्लाह हाफिज़।